दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा, उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग से आपका स्वागत करती हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों आज हमारा विषय है, दोस्तों मैं कल शाम को बाहर आई और मैं देख नहीं पाई थी। दोस्तों ये देखिए अडेनियम हमारा पक गया है और इसको अब हम तोड़ेंगे। ओ देखिए कैसे ये बचा, मैं अगर इसको खुला छोड़ देती तो ये नहीं बचता। हो सकता है कुछ सीड उड़ गए हों, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच गया। तो ये मेरा अडेनियम बच गया दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी। और इस अडेनियम से मैं ढेर सारा अडेनियम तैयार करूंगी दोस्तों। ये हमारे अडेनियम खिले हुए हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है देखिए। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैंने कटिंग से लगाया था तो आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये देखिए इसमें शाखाएँ निकल रही हैं, कल्ले निकल रहे हैं और ये उसका ऊपर का भाग था। ये देखिए इसमें फूल खिल रहा है और ये मेरी पहली बार ये अडेनियम खिले हैं। ये वाले पिछले साल के थे, एक साल के हो गए ये। दोस्तों इनको मैं अब तोड़ूंगी और इन्हीं से मैं ढेर सारे अडेनियम तैयार करूंगी। गनीमत है मैंने इसको बांध दिया था दोस्तों, ये तो बहुत ही मतलब मैं तो मेरे को तो मतलब शौक लग जाता है कि मेरे अडेनियम चले गए, तो मतलब अच्छा हुआ मैंने इनको बांध दिया था। ये देखिए अभी हम इनके बीज को निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों 8 दिन बाद मैं लौटी हूँ। बहुत सब्जियाँ फली हैं जिनको मुझे उतारना है। आज शाम को मैं निकालूंगी सब्जियों को, क्योंकि मैं सॉरी कल दोपहर में आई हूँ। देखिए इसको मैं रिपोर्ट करके गई थी, इतना सुंदर खिला है, इसमें मैंने फूल लगाया हुआ है। ये धनिया है हमारी, बस थोड़ा सा आपको मैं अपने गार्डन का अपडेट दे रही हूँ। पालक है, मिर्ची भी खूब फली हुई है। एक्चुअली अभी मैं सुबह सुबह कुछ सब्जियां लेने आती हूँ तो वही लेने छत पे आई हूँ। टमाटर धनिया हरी मिर्च उन्हीं को लूंगी मैं, उसी को लेने आई हूँ। ये प्याज जो हमने लगाया था अभी कितनी सुंदर हो रही है देखिए। ये फूल एक बार फिर से खिल गए। टमाटर कल हमने तोड़ा है, अभी भी टमाटर हैं तो टमाटर ही थोड़े लेने आई हूँ। बैंगन में तो सिर्फ बैंगन दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए सिर्फ बैंगन बैंगन लटके हुए हैं। ये हमारी भाजी है, ये क्या कहते हैं इसको, प्याज भाजी। और ये धनिया को हमने कहीं और से उखाड़ कर इसमें रोपा था, लेकिन बहुत अच्छे से लग गया है, ये उग गया है। इस कंटेनर को आज मैं खाली करूंगी और इसमें फिर नया कुछ लगाऊंगी। इसमें बथुआ हुआ है उसको हम निकाल लेंगे, एक बार की सब्जी के लिए हो जाएगा। इस कंटेनर में जो पालक लगा हुआ है इसको हम कंटिन्यू काट कर अपनी गाय को खिला रहे हैं। थोड़ा सा देखिए ना रहने से जो आपका गार्डन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जैसे ये बैंगन पक पक के लटके हुए हैं और कुछ मतलब इनको टाइम से तोड़ते रहना चाहिए। और हमारी लौकी भी अभी लगातार दोस्तों फ्रूटिंग कर रही है, देखिए देखिए फ्रूटिंग हो रही है। हमें थोड़ी मिर्ची चाहिए तो मिर्ची लेने आए हैं, हरी मिर्ची चटनी सलाद, क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ। फ्रिज में जो कुछ था तो हमने सब काम करने वालों को दे दिया था कि आप ले जाओ, क्योंकि हमको 8 दिन बाद आना था तो हमारे पास जब ऑर्गेनिक फ्रिज ऑलरेडी है तो हम क्यों स्टोर करके रखेंगे, तो हमने उनको दे दिया था। तो अभी जो है हमको ज़रूरत है तो हम लेने आए दोस्तों। ये हमारी पोई कितनी सुंदर हो रही है, तो हम इसको दोस्तों कहते हैं ऑर्गेनिक फ्रिज। देखिए हमारी लौकी अभी भी अभी मुलायम है, देखिए ये मिर्चियाँ हमारी बहुत अच्छी फल रही हैं। ये छोटे से कंटेनर में धनिया, ये है करमता भाजी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये है खेड़ा भाजी, ये भी है खेड़ा भाजी जिसकी जिसके तने को और जड़ को खाया जाता है। देखिए जो मोटा सा तना और जड़ ये सबको खाया जाता है। और
और बैंगन तो ऐसे फल रहे हैं कि हम क्या बताएं। देखिए बहुत ढेर बैंगन फले हुए हैं, ये देखिए बैंगन ही बैंगन। और ये है हमारी चाइनीज स्पिनिच। अभी हमारे पास जो भी ऐसे पत्ते वत्ते निकलते हैं ना, अपनी गाय को दे देते हैं। ये है ब्रोकली, देखिए आ रही है अभी, देखिए छोटी सी निकल रही है ना, उसमें भी उधर भी निकल रही है। और अभी हम आए हैं ना, तो जो कंटेनर हमने पहले फुल किया था, देखिए हमारी पूरी भाजी, प्याज है, कितना सुंदर धनिया छोटे से कंटेनर में हुआ है, आप देखिए दोस्तों। इसमें भिंडी लगाई थी मैं, भिंडी तो है लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा हो गई इसमें, तो इनको हटाऊंगी मैं, और ताकि भिंडी हमारी, ये देखिए लाल भाजी, बैंगन देखिए, मिर्ची, ये भी मिर्ची दोस्तों। ये उस टाइम पे जब मैं गई हूँ तो इसको मैं लगा कर गई थी, चाइनीज स्पिनिच इसको बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ में मास्टर भाजी, इसको मैं लगा कर गई थी कलम से, मतलब डंठल से। हमने इसकी भाजी को खा लिया था और जो थोड़े मोटे डंठल थे इनको हमने रोक दिया था। तो देखिए कैसे पत्ते आ रहे हैं, आप देखिए एक एक, मतलब इसका जो कलम है ना, सब एक सारे लग गए, कोई भी ऐसा नहीं जो सूखा हो। ये देखिए हमारी भिंडी कितनी अच्छी हो रही है। ये थोड़ा सा दूसरे पौधे जो है इनको दबा रहे हैं, मैं इनको हटाऊंगी। आप ये देखिए कितना सुंदर जो है ये लाल भाजी, जो एक पेड़ भी कहीं हुई है तो कितनी सुंदर हुई है। इसका मतलब आप क्या समझ गए, इसका मतलब ये समझिए कि गर्मियों में जो है ना लाल भाजी बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप भी लगाएं लाल भाजी, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। टेस्ट तो इसका लाजवाब होता ही है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसमें एक एक पेड़ में एक एक दाने मैंने मूली के डाल दिए थे, जो मूलियाँ भी तैयार हो गई हैं खाने के लिए। दोस्तों इस कंटेनर में हमने बताया था कि लीफ कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, हमने इसमें अभी कुछ नहीं लगाया था, इसको हमने छोड़ दिया था, हमको टाइम भी नहीं था, हम बहुत व्यस्त थे, तो अब इसमें हम कुछ लगाएंगे। ये देखिए हमारी लाल भाजी कितनी सुंदर हुई है, देख रहे हैं कितनी स्वस्थ, कितनी हेल्दी दिख रही है। और बैंगन तो ऐसे फले हुए हैं, इनको सबको हटाना है। यह दोस्तों पोई के बीज, पोई भी हमने कई जगह लगाया है, तो पोई इस टाइम पे पकती है, उसके बीज पक जाते हैं, तो वो पोई पकी हुई है। हमारी मिर्चियाँ भी पक गई हैं तोड़ने के बगैर। तो दोस्तों यहाँ से लूँगी अब मैं धनिया, आज के काम के लिए थोड़ी सी हमको चटनी और सब्जी दाल के लिए हमको धनिया चाहिए। धनिया बहुत पसंद है मुझे, ताज़ी ताज़ी, तो धनिया लेंगे अपनी ज़रूरत के लिए। पर्याप्त है इतनी। इसमें हमने लगाया था खट्टा भाजी, छत्तीसगढ़ में खाते हैं, क्या बोलते हैं हमारी भाजी, तो वो अभी हो रहा है, तो ये हम लाल भाजी लगा कर गए थे, ये भी बहुत अच्छी दिख रही है। इस कंटेनर में भी हमने लाल भाजी लगाया था, और ये है मिर्ची, और एक कंटेनर में हमने और करमका भाजी लगाई थी, ये है करमका भाजी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा गार्डन बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है, थोड़ा मैं चली गई थी बाहर तो थोड़ा देखिए फ़र्क तो पड़ता है, जो मतलब कि जितना प्यार इनको मैं दे पाऊँगी और कोई क्यों देगा, आप सोचें, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट फिर भी ठीक है। शॉर्ट में तो एडेनियम का बीज का बनाना था,
आज हम तोड़ेंगे लाल भाजी। हमारी लाल भाजी बहुत ही अच्छी हुई है तो इनको आज हम तोड़ेंगे। भाजी मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं चाकू से नहीं काट सकती, तो इसलिए मुलायम मुलायम भाग इसका जो है उसको मैं ऐसे तोड़ूंगी। देखिए ऐसे तोड़ूंगी। ये देखिए ये हो गई हमारी लाल भाजी, कितनी स्वस्थ है आप देखिए। ये हो गया आज की सब्जी। अब हम थोड़ी सी मिर्ची लेंगे। ओहो ये गिर गई। अब थोड़ी सी हम मिर्ची लेंगे चटनी दाल और सब्जी के लिए। ये हो गई, हमें जब ज़रूरत होता है हम तब तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारा ये ऑर्गेनिक फ्रिज है, हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तोड़ेंगे थोड़े से टमाटर क्योंकि हमें टमाटर भी चाहिए सब्जी और दाल के लिए चटनी के लिए, तो हम तोड़ेंगे थोड़े से टमाटर जो पके हुए हैं। देखिए इस तरह से खोज खोज के तोड़ लेंगे। अब हमें चाहिए थोड़ी सी धनिया, तो अब हम तोड़ेंगे धनिया। चटनी और सब्जी में डालने के लिए और दाल में भी धनिया मुझे पसंद है, तो दाल तड़के के बाद मैं धनिया डालना पसंद करती हूँ दाल में, तो थोड़ी सी हम लेंगे धनिया। ये होगी हमारी सब्जी कंप्लीट। अब हम लेंगे ना दो पत्ते पुदीने के चटनी में डालने के लिए। हरी चटनी में धनिया और पुदीना दोनों अच्छा लगता है, तो अब हम लेंगे थोड़े से पुदीना। बहुत ही अच्छा हो रहा पुदीना, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आप थोड़े से पुदीना ऐसे भी घोल के अगर पी लो ना तो ये पेट की सारी तकलीफ को दूर कर देता है। तो हमारी सब्जी हो गई कंप्लीट, धनिया लाल भाजी टमाटर हरी मिर्ची और पुदीना, ये हो गई हमारी आज की ऑर्गेनिक फ्रिज की सब्जियाँ। तो दोस्तों हमारी थोड़ी सी मेहनत हमें कितना कुछ देती है, हमको कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, अपना आए और तोड़े और निकल लिए। देखिए हम कितना भी तोड़े लेकिन हमारी सब्जियाँ पर्याप्त हैं। इस कंटेनर का हमने लाल भाजी तोड़ा, भिंडी में थोड़ा सा डाल दिया था, फिर भी हमारी लाल भाजी अभी कई जगह लगी हुई है थोड़ा थोड़ा, और हम तोड़ते रहते हैं। ये देखिए ये भी लाल भाजी, धनिया की खूबसूरती देख के तो आप खुश हो जाएंगे। इसी तरह से बैंगन हमारे बहुत ज़्यादा फले हुए हैं दोस्तों, इनको ना हमें तोड़ना है, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। आपको मैंने जो प्याज दिखाया था अभी आप देखिए प्याज इतनी बढ़िया लग रही, हमने अभी इसको मेरे ख्याल से 10 दिन हुआ इसको लगाए, इसका सब चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया। कहीं भी अगर किसी क्यारी में अगर एक टमाटर हो गया है तो इस तरह से फलता है दोस्तों। देखिए आप देखिए हमारे प्याज के बीज भी तैयार हो गए हैं, उनको तोड़कर और दाने निकाल कर रख दूंगी जो सीजन में काम आएंगे। दोस्तों मुर्गा देखिए जिसमें सिर्फ फल लगे हैं, ऐसे नीचे से झमट झमट के फले हैं, जबकि अभी मैं गांव गई थी, भाई के यहाँ कार्यक्रम था तो वहाँ भी एक बोरी मुर्गा लेके गई थी, तो उन लोगों ने बढ़िया बनाई है और हमने भी इसकी बढ़िया बनाई है, लेकिन इसके बाद भी इतने फले हुए हैं। मैं सोच रही हूँ एक बार और बड़ी बना लूँ इसका। ये देखिए गोल मिर्ची है, पहले हरी रहती है पकने पर लाल हो जाती है, तो इसको हमने बहुत तोड़ा और बहुत तीखी होती है, जबरदस्त तीखी होती है। चना भाजी लगाया था थोड़े से बच गए थे, तो देखिए कैसे इसमें चने तैयार हुए हैं। देखिए देखिए चना,
आज हम बनाएंगे मिक्स भाजी। तो कई तरह की भाजियों को तोड़कर, जैसे अभी हम मेथी तोड़ रहे हैं, पोई तोड़ा, चौलाई भाजी तोड़ा और अब तोड़ रहे हैं मेथी। ये आपको दिखाते हैं, देखिए मेथी है, ये है करमता। थोड़ी सी तोड़ूंगी बथुआ भाजी, देखिए बहुत सुंदर मुलायम मुलायम हुई है। इसी के साथ मिक्स करके सारी भाजियों को बनाऊंगी। थोड़े से तोड़ूंगी पालक, ये छत्तीसगढ़ में मास्टर भाजी बोलते हैं, और पता नहीं चाइनीज स्पिनिच साउथ इंडिया में भी बहुत मिलता है, बहुत मीन पसंद करते हैं साउथ इंडिया के लोग। थोड़े से इसको डालेंगे, पालक की ही प्रजाति है ये, बहुत आसानी से उगती है, बहुत सॉफ्ट होती है, देखिए कैसे टूटता है ना, देखना ये, मतलब ये मुलायम है, यहाँ तक ये खाया जा सकता है। बस थोड़े थोड़े ही लूँगी, क्योंकि कई तरह के मिक्स कर रही हूँ तो थोड़े थोड़े ही लूँगी। हो गया, थोड़ी धनिया पत्ती आज के लिए, तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप हमारी वीडियो को सराह रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे ऑर्गेनिक गार्डन को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप